सभी भाइयों को नमस्कार। आज एक और वीडियो लेके आए हैं हम और उसका भी हम अच्छे से रिव्यू करेंगे। तो ना ये सप्लीमेंट है और ना कोई स्टेरॉइड है, ना कोई दवाई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्या है, लोगों का मिथ है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा। ये है पीनट बटर, पीनट बटर है, अलग अलग कंपनी का है। ये वीबा का है, ये मसल ब्लेज का है। तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई पीनट बटर कौन सा लें, वीवा का लें, मसल ब्लेज लें, पिंटो ला लें, ठीक है, कौन कौन सा। बहुत सारे मार्केट में अलग अलग तरीके के पीनट बटर आ गए, तो सभी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कौन सा बढ़िया है। अभी मार्केट में ट्रेंड भी चला था कि साहिल खान का बहुत अच्छा है, माई फिटनेस का पीनट बटर सब लोगों ने अच्छा यूज़ किया था। अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा था उसका, मैंने भी यूज़ किया था। वीवा भी यूज़ किया है मैंने और ये भी यूज़ किया है, मसल ब्लेज। देखो भाइयों, मैं सिंपल भाषा बना दूँ, पीनट बटर तो मूंगफली का ही बनता है, मूंगफली का बनता है, चाहे तुम कोई सा भी कंपनी ले लो, सब में मूंगफली का ही बनेगा। ये नहीं है तो अलग कंपनी लोगे तो उसमें अलग ब्रांड की मूंगफली होगी, या पिंटोल लोगे तो उसमें अलग ब्रांड की मूंगफली होगी, ऐसा नहीं है। सब में मूंगफली यूज़ होती है, कंपनी बड़ी और छोटी का फ़र्क है। बड़ी कंपनी होगी तो महंगा होगा, छोटी कंपनी होगी तो सस्ता होगा। सारे पीनट बटर एक जैसे, ठीक है। तुम्हारा बजट हल्का है तो वीवा वगैरह का यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा बजट अच्छा है तो मसल ब्लेज का यूज़ कर सकते हो। अब देखो दोनों की MRP बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये 169 रुपये का है, 340 ग्राम का, ठीक है, और ये है 360 रुपये का, 750 ग्राम का। ये काफ़ी महंगा है और बड़ा साइज भी बड़ा है इसका, पर फिर भी महंगा है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी कंपनी है भाई मसल ब्लेज, इसके प्रोटीन वगैरह भी आते हैं, प्री वर्कआउट आते हैं काफ़ी बड़ी, ठीक है ना। तो कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, सारे एक जैसे होते हैं। मैं किसी कंपनी का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, सब पीनट बटर एक जैसे हैं। मैं आपका एक मिथ निकाल दूँ कि आप कन्फ्यूज रहते हो कि ये वाला लें या वो लें, सब अच्छे हैं, आपके बजट के ऊपर है। अब यूज़ कैसे करना है इसको, इसके यूज़ करने के मैं आपको तरीके बता देता हूँ। पीनट बटर को आप ब्राउन ब्रेड में लगा के ब्रेकफास्ट में दूध में डिप कर करके खा सकते हैं। पीनट बटर को आपको मिल्क शेक बना, मिल्क शेक हो गया, चीकू शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, इन सब में 2 चम्मच डाल के और यूज़ कर सकते हैं। ये गेनिंग में भी यूज़ होता है और ये लीन गेन कटिंग सब में यूज़ होता है, बॉडी बिल्डिंग में सब में यूज़ होता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहते, आप हेल्थी ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, नॉर्मल लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 5-6 साल से ऊपर के बच्चे भी इसको खा सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादातर इसका यूज़ है, जिम वाले बच्चे यूज़ करते हैं, क्योंकि पीनट्स है, मूंगफली, मूंगफली के अंदर प्रोटीन हाई लेवल का होता है, ठीक है ना, तो इसलिए बंदे इसको यूज़ करते हैं। और कार्ब्स वगैरह, कैलोरीज वगैरह सब मिल जाते हैं इसके अंदर, तो इसलिए यूज़ करते हैं। ब्राउन ब्रेड में लगा के खा सकते हो, शेक में खा सकते हो, सैंडविच बना के खा सकते हो उसका, और अगर नहीं तो फिर रूखा भी खा सकते हो, ऐसे लेके रूखा भी खा सकते हो। बढ़िया टेस्ट में अच्छा होता है, सफ़र कर रहे हो आप कहीं तो उसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो, और जॉब वगैरह करते हो, जॉब वगैरह वालों के लिए तो अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। इसको भी टेस्ट करके तुम्हें दिखा देता हूँ कैसा है, वो भी बढ़िया है। ये चॉकलेट देखो, चॉकलेट में है, ये भी बढ़िया है, ये क्रंची है, बड़ी कंपनी है तो थोड़ा अच्छे से बनाया इन्होंने, ठीक है। सारे पीनट बटर एक जैसे यूज़ कर सकते हो, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ज़्यादा खाओगे तो बस गर्मी कर जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ओवरलोड कर दोगे साइज गेन के चक्कर में तो पीछे से खून निकल जाएगा, बस बाकी बहुत अच्छी चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके।